हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि साइन इन और साइन अप क्या होता है, या लॉग इन या लॉग ऑफ क्या होता है। बहुत से यूज़र्स प्रायः कंफ्यूज रहते हैं कि जब किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से जब उनको साइन अप या लॉग इन करने के लिए बोला जाता है, तो बहुत से यूजर्स कंफ्यूज रहते हैं कि साइन अप करना सही है या लॉग इन। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि साइन इन या लॉग इन करना क्या होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त तनुज आर्या। आप देख रहे हैं स्टडी एंड टेक यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे नए नए वीडियोस आपको मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम कभी भी किसी वेबसाइट पर सर्च किया होगा या वेबसाइट या ऐप्स में गए होंगे, तो फर्स्ट टाइम आपको सर्च करने के बाद आप ये बोला जाता है कि आप साइन इन करेंगे या लॉग इन, तो आपसे पूछा जाता है। तो आप बहुत से लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब साइन इन करना सही है या लॉग इन। तो अगर साइन इन की बात की जाए, तो साइन इन करना बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है किसी वेबसाइट में। जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम फेसबुक पे अकाउंट बनाया होगा, तो आपको फर्स्ट टाइम उस पर साइन इन करने के लिए बोला हो गया। लेकिन साइन इन करने के बाद, जैसे कि आप किसी चीज़ में वेबसाइट पर लॉग इन एक बार साइन इन कर लेते हैं, तो आपको फिर उसमें कुछ डिटेल दोबारा नहीं डालनी होती है। और साइन इन करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं और साइन इन करने के बाद उसमें जो भी आप डेटा यूज़ करते हैं, या उसमें से कुछ डाउनलोड करते हैं, या फिर उसमें जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो रिकॉर्ड नहीं होती है साइन इन करने में। और लेकिन अगर जैसे कि आपने किसी वेबसाइट पर साइन इन ना करके लॉग इन किया हुआ है, तो उसमें आपका आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी रिकॉर्ड होती हैं। तो इसका बेसिक बात ये है कि जैसे कि आप फेसबुक में आपने पहली बार फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाया होगा, तो आपने देखा होगा कि आप जब किसी मतलब कि अकाउंट बनाने के बाद जब फर्स्ट टाइम साइन इन हुए होंगे, तो आपको साइन अप करने के लिए बोला गया हो, साइन इन करने के लिए। तो आपने उसकी आईडी के बाद जब आप दोबारा से उसको फेसबुक को ओपन किया होगा, तो लॉग इन करने के लिए बोला गया। तो फर्स्ट टाइम आपने जो डेटा डाला था, तो वो साइन इन हो गया था। लेकिन जब सेकेंड टाइम आप दोबारा या कभी भी उसमें लॉग इन होते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे आपने कोई इमेज या फ़ोटो या फिर कोई कमेंट्स या मैसेज अपलोड किया होगा, तो लॉग इन करने के बाद ही अपलोड किया होगा, तो आपने देखा होगा कि वो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप की थी, वो आपकी प्रोफाइल पे सेव हो जाती हैं। तो लॉग इन करने का यही एक ज़्यादा होता है। जैसे कि फेसबुक में आपने देखा होगा, जब भी बहुत सारे क्विज आते हैं कि आपके दोस्त 7 दोस्त कैसे होंगे, या ऐसे करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें लोग बहुत से लॉग इन करते हैं। तो लॉग इन करने में आपका डेटा लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपने उसको लॉग इन कर दिया, तो वो डिटेक्ट होता है, तो अपने ऑटोमेटिकली पूरी जो डेटा होता है आपका, वो ले लेता है। तो आप समझ गए होंगे कि फेसबुक में या किसी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम साइन इन करना, लॉग इन करने में क्या डिफरेंस होता है। तो लॉग इन करने में बेसिकली आपका डेटा लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप सोचते होंगे कि फेसबुक में अगर मेरा डेटा लीक हो जाता है, तो क्या हो सकता है, इमेज या इन्फॉर्मेशन या ईमेल्स या फ़ोन नंबर्स, तो शायद आपको पता नहीं है। लेकिन एक हैकर्स या फिर साइबर क्राइम में इतना टेक्नोलॉजी आगे निकल चुका है कि आपके एक फ़ोन नंबर से या एक फ़ोटो से आपकी सारी डिटेल निकाली जा सकती है। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो जब भी किसी वेबसाइट पर आप जाएँ, तो वेबसाइट को साइन इन करें। लॉग इन करने से बेहतर साइन इन करना होता है, तो वेबसाइट को साइन इन करें, लॉग इन ना करें, इससे आपका डेटा सेफ़ रहेगा। तो आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाएं, तो सेफ ब्राउजरिंग करें, और अपना जो साइन इन करने का प्रोसेस है, साइन अप करने का, तो साइन इन ज़्यादा करें, लॉग इन कम करें। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में घंटी का ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे नए नए ऐसे ही टेक्नोलॉजी और स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।